हाय फ्रेंड, माय नेम इज आफ्ताब और आज हम सीखेंगे कि किसी भी ड्राइंग को गूगल अर्थ में कैसे सेंड करें। इससे पहले भी मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ, करीब 5-6 वीडियोस है जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। देखिए, ये इस नाम से मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं कि किसी ड्राइंग को गूगल अर्थ में कैसे भेजते हैं, इमेज कैसे काटते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, और 3D मॉडल कैसे भेजते हैं, और जियोग्राफिक लोकेशन, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही लगा चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में एक और आखिरी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसमें वीडियोज़ का लिंक है, सीधा आप जाके देख सकते हैं कि किसी चीज़ को कैसे करना है। और आज मैं आपको बताऊंगा 3 कंट्रीज़ के भी ड्राइंग हैं जिनको मैं सेंड करके आपको दिखाऊंगा। एक तो ओमान का है, एक कतर का है और एक अबू धाबी का है। ये तीनों ड्राइंग मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ। तो इसको भेजने का एक तो रास्ता है सिविल 3D, जो सबसे बेहतर रास्ता है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें इसमें से हटा के इधर चली गई हैं, जो अलग एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्लेक्स एयर्थ। तो प्लेक्स एयर्थ में जाएंगे तो आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अलाइनमेंट को एक्सपोर्ट करना, पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करना, इमेज को इम्पोर्ट करना, KMB फाइल बनाना, इस टाइप के गूगल अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें दे के रखा है इन्होंने। तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके देखें, इसमें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। दूसरा है कैड एर्थ के नाम से, ये भी ट्रायल वर्जन आपको मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डाउनलोड कर लें। इन्होंने भी बहुत से ऑप्शन दिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरह से आप मतलब सरफेस कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद ही देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तीसरा एक है एक्सपर्ट GPS के नाम से है, इन्होंने भी बहुत से ऑप्शन दिए हैं, इन्होंने भी ट्रायल वर्जन दिया है 5 डेज का, जिसके थ्रू आप इमेज को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी ड्राइंग को सेंड करना, तो वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बेस है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिविल 3D के थ्रू और ऑटो कैड, ये दोनों के थ्रू अगर हमें किसी चीज़ को देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो अगर हम सिविल 3D में आते हैं, ये हमारा है ओमान का ड्राइंग, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। जब भी आप इसको ओपन करें तो नया फाइल अगर ओपन करते हैं तो उसके बाद फिर न्यू फाइल ओपन करने के बाद उसमें इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, यानी कि एक फाइल से दूसरे फाइल में पेस्ट कर लीजिए। जब ये पेस्ट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डेटम सेट करना है, तो अगर आपको पता है, नहीं पता है, तो ये ओमान का मैं बताने जा रहा हूँ, WGS 84, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कैटेगरी हो गया। इसके बाद आता है अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें लगाना है 57DE, ये है आपका 57DE, इस पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे और इस ड्राइंग को सेव कर देंगे। लोकेशन पूछ रहा है, कोई भी नाम दे के इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आपको चाहिए इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट होगा तभी ये गूगल अर्थ में जाएगा। तो मैं यहाँ से गूगल अर्थ से कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट, और मैं इसको सीधा एक्सपोर्ट करता हूँ। तो 2012 में ऑटोडेस्क ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब अभी इन्होंने इसको 2018 में कट कर दिया है। मैं अभी 18 के थ्रू भी भेज के दिखाऊंगा, ये 2012 है ऑटोकैड सिविल 3D। इसमें अगर हम जाते हैं यहाँ आउटपुट में, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट दिया है पब्लिश टू गूगल अर्थ, लेकिन अगर होम पे आप जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है इंसर्ट में, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे गूगल अर्थ से रिलेटेड, गूगल अर्थ इमेज अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे ला सकते हैं, सरफेस अर्थ एंड इमेज एंड सरफेस दोनों चीज़ें। तो अभी मैं आपको इसको सेंड करके दिखाता हूँ, तो सीधा आप यहाँ पे जाइए आउटपुट में, यहाँ से पब्लिश
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये चीज़ जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, और नेक्स्ट करके पब्लिश कर दीजिए। जब आप पब्लिश करेंगे तो ये सेल्फ गूगल अर्थ को ओपन करेगा, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे। गूगल अर्थ का समस्या हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो गूगल अर्थ ये 6 वर्जन है, तो गूगल अर्थ प्रो आजकल चल रहा है, जो हर आदमी गूगल अर्थ प्रो ही डाल के रखा हुआ है। तो अगर गूगल अर्थ प्रो में ना ये चीज़ दिखे तो ध्यान रखिएगा, आप गूगल अर्थ 6 वर्जन आप डाल दीजिएगा। ये मेरा जो है वो 6 वर्जन है, तो इसलिए ये डायरेक्टली जा रहा है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से वर्जन इसका दिखाऊंगा, यहाँ पे जाएंगे हेल्प में, नहीं अबाउट में जाएंगे, तो देखिए ये 6 पॉइंट दिखा रहा है ना, ये वर्जन है गूगल अर्थ का, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन पे जा गया अभी। अब आप इसमें देख लीजिए, ये प्लाट सभी अपनी अपनी जगह पे जाके लग गए। शर्त ये है, जो आपके पास ड्राइंग होना चाहिए वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए। जो ये प्लाट है, रोड मैप बोल दीजिए इसको, रोड मैप कह लीजिए या जो भी आप नाम दे दें इसका। तो एक तो ये हो गया, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा जा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास कतर का ड्राइंग है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ से जाएंगे फिर से न्यू फाइल ओपन करेंगे, फाइल है भी है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिर जाके हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे इसको पेस्ट कर देंगे। जब आप पेस्ट कर देंगे फिर आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ से जाके ड्राइंग ड्राइंग सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे WGS 84, नहीं लगा के यहाँ पे हाँ WGS 84 लगाएंगे, या डायरेक्ट आप कतर लिख दीजिए, क्यों ये है कतर। अब यहाँ पे जाके इन्होंने इतना ऑप्शन दिया है, इसमें से अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, अप्लाई ओके। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, इसको पहले सेव कर देता हूँ। सेव कवर करने के बाद पब्लिश करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये यहीं पे रहेगा, नेक्स्ट पब्लिश, और यहाँ से व्यू पे दे जाएंगे। ये देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके बैठ गया, ये कतर का ड्राइंग है, ये देखिए ये रोड, ये इस तरह से जाके एग्जैक्ट उस पर बैठ जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे आप अगर प्लाट देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको दिखेगा, ये इधर का रोड, ये इधर सी है, सी के बाजू में ये रोड गया हुआ है। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अगर इसमें जाते हैं, जब आप पब्लिश में जाते हैं, और यहाँ पे जब सेटिंग में जाते हैं, तो इसमें कतर जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद इन्होंने कई ऑप्शन दिए हैं, इसमें से और में भी चेक करेंगे तो और उस पे भी ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस पे आपको एक्यूरेट लगे उस पे आप उसको रोक दीजिए। तो ये 2 रास्ते हो गए, जो मैंने 2012 से भेजा है, सेंड किया है। अब इसमें अगर आपको इमेज लेना हो तो ये जो इमेज है अभी इस सिचुएशन में, अब इसी इमेज को आपको सेव कर लेना है।
मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज। इसमें टाइम लग रहा है सेव होने में। चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। बहुत स्लो चल रहा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि आप यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं। पहले सेव कर लीजिएगा, मैं इसको भी बंद कर दे रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ, दूसरे ड्राइंग में, ये इस वाले को देखता हूँ, इसमें मैं इसको सेंड करता हूँ। हैप्पी है फाइल, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है, इसलिए इसके लिए सॉरी। थोड़ा ये देखिए, अब इसमें अगर मुझे इस ड्राइंग के पीछे बैकग्राउंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करके उतने पर रोक दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको मैं हटा लेता हूँ और इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, कोई भी नेम दे के। अब हम अपनी ड्राइंग में जाते हैं, ये है हमारा ड्राइंग, ये है। फिर यहाँ पे आएंगे आप इंसर्ट में और यहाँ पे जाके अब देखिए यहाँ पे है गूगल अर्थ इमेज। अगर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसके पीछे ऑटोमेटिक इमेज लग जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, ये लग गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके एक्सरेफ XR टाइप कीजिए, इंटर कीजिए, और जो ये इमेज है जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, क्योंकि ये जब इमेज को कट करता है तो ब्लैक एंड वाइट में कट कर लेता है। तो उस समय आपको क्या करना है, ये इसको पाथ देना है कि ये चेंज हो जाए। तो हमें यहाँ से जो पाथ है ये सेव पाथ यहाँ पे फाउंड करना है यहाँ पे, और यहाँ से जाके हमें उस इमेज का पाथ देना है जो आपने सेव किया हुआ है, यानी कि जो कलर सेव किए हैं ना ये। अब मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था इमेज को, ये देखिए यहाँ पे ये है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा अभी कलर्ड हो गया, देखिए ये इमेज। तो इस तरह से हम इमेज को लगा सकते हैं, लेकिन ये एक ही इमेज को आप काट सकते हैं, इसमें उतना ऑप्शन नहीं है जितना प्लेक्स एर्थ में है। प्लेक्स एर्थ में आप लाइन के हिसाब से जितना लेंथ हो, कितना भी बड़ा ड्राइंग हो, पार्ट में काटते जाइए, एक रेशियो सेट कर दीजिए। मान लिया ये 4 साइज का सेट करके आप कटते चले जाएंगे तो वो कटता चला जाएगा, वो उसमें ज़्यादा ऑप्शन है, इसमें उतना ऑप्शन नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ से आप सरफेस, अगर गूगल अर्थ सरफेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से नेम वगैरह देना है, जो स्टाइल देना है, बहुत कुछ है इसमें, उसको ओके कर देंगे तो वो सरफेस भी पीछे लग जाएगा। ये देखिए लग गया, ये है सरफेस आपका, ये सिलेक्ट दिख रहा है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक करके आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा 2018 है। अब 18 में इन्होंने कहाँ पे ऑप्शन दिया है, जब आप 18 खोलेंगे तो ये देखिए मेरे पास ये ड्राइंग है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे जब आप जाएंगे टूल बॉक्स में और यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जब जाते हैं तो हम इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ से इन्होंने सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया है कि आप ड्राइंग को सेंड कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। यहाँ से इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, एरर आ गया। सेम ऑप्शन इसमें भी है, नेक्स्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये सीधा चला जाएगा। ये हमारा ड्राइंग है अबू धाबी का, ये अलग लोकेशन पे जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग है अबू धाबी का, तो ये जाके एग्जैक्ट एक एक प्लाट पे देखिए बैठ गया बराबर एकदम, कहीं भी आपको फर्क नहीं नजर आएगा, रोड से लेके सब कुछ। ये देखिए, तो ये अबू धाबी में अगर भेजना है तो उसके लिए ये करेंगे। इसके लिए अगर ड्राइंग सेटिंग आप देखने जाएंगे कि ड्राइंग में मैंने क्या सेट किया है, तो वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से जाएंगे ड्राइंग सेटिंग में, यहाँ पे लगा हुआ है WGS 84, यहाँ पे लगा है देखिए 57DE, सेम जो अबू धाबी का है वही सेम ओमान का है, ये दोनों एक ही है, तो ये दोनों पे आप ड्राइंग को भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए टोपो पॉइंट्स है मेरे पास, इतने मैंने आपको दिखा दिया, अबू धाबी, कतर और ओमान, ओमान और कतर, नहीं सॉरी, ओमान और अबू धाबी दोनों का अवेलेबल कोऑर्डिनेट एक ही है, लेकिन कतर का अलग है। तीनों मैंने दिखाया है, इसको आप आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2012 से जब आप भेजते हैं तो उसमें बहुत से ऑप्शन मैंने दिखाया आपको कि कितने ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हम 2018 अभी सामने खुला इससे भेजते हैं तो आपको यहाँ पे जाना होगा। ये देखिए टूल बॉक्स में, यहाँ पे इसमें रहता है, ये देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाके फिर ये चीज़ जो है इसके अंदर जाके यहाँ पे होता है, लेकिन सिर्फ आप ड्राइंग को भेज सकते हैं ओनली, और इमेज को नहीं कट कर सकते हैं। ये हमारे पास है टोपो पॉइंट, जिससे वो प्लाट जो आपने अभी देखा था जो ड्रा होता है, या GPS एक ऑप्शन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू पॉइंट्स ला के ड्रा किया जाता है। ये टोपो पॉइंट है जो टोटल स्टेशन से निकाला गया है सर्वे करके। अभी इसको मैं भेजता हूँ, तो इसको भेजने के लिए सबसे पहले आपको वहीं पे जाना होगा, ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा कि कहाँ का ड्राइंग है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ये है WGS 84 और ये जाएगा ओमान का है, तो ये सेम 57। ये जाएगा 57DE, यहाँ पे 40, जोन 40 अप्लाई करिए, ओके कर दीजिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करना ज़रूरी है, और बेहतर ये है कि जब आप कोई ड्राइंग ओपन करें तो उसको कॉपी करके न्यू फाइल में ज़रूर ले जाया करें, तो आसानी से जाएगा। इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, सेम यहीं पे रहेगा, नेक्स्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, व्यू, ये गया आपका ओमान में, ये ओमान आपका है यहाँ पे, ये इधर है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओमान आएगा इधर, प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl A Ctrl C, और इसको मैं न्यू फाइल में ले जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फाइल हम खोलते हैं उसमें अगर सेटिंग करो तो नहीं जाता है, तो उसके लिए मैंने पिछले बार भी बताया था, ये बार फिर बता रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे ले जाके एक नया फाइल बना लें, तो
तो इससे क्या होता है कि वो, अब यहाँ पे ये नया फाइल हो गया मेरा, ये है। अब मैं इसको फिर से भेजता हूँ, यहाँ पे पहले जाके सेटिंग करेंगे, यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटीज में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं WGS84, फिर यहाँ पे 57DE जो बताया था आपको, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। फाइल को सेव कर लीजिए, सेव करना ज़रूरी है, कोई भी नाम दे के सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब फिर हम यहीं पे आते हैं, यहाँ से सीधा एक्सट्रूड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपोर्ट व्यू, नहीं दिख रहा है, शायद बहुत छोटा है या कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन ये ऐसा करेंगे तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पॉइंट्स बहुत छोटा है इसलिए शायद नहीं दिख रहा है हमें बराबर, यहाँ पे पॉइंट्स आने चाहिए। अभी मैं इस पॉइंट्स को यहाँ पे जाके सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसका साइज़ ये ग्रीन है, इसको येलो कर देता हूँ और ये साइज़ है इसको 1 कर देता हूँ, बिग साइज़ थोड़ा कर देता हूँ 2, और इसका लाइन जो है, लाइन टाइप थोड़ा सा, लाइन का जो थिकनेस है ये भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसको फिर से भेजता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी हो सकता है कि लाइन आपका थिकनेस कम हो, इसी वजह से भी ना दिखे, तो वैसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तरीका यही है, हो सकता है कि कुछ एरर आ जा रहा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं क्लियर हो पाता है, लेकिन तरीका यही है, आपको कोऑर्डिनेट यहाँ से जाके सेट करके ही भेजना होगा। ओल्ड वर्जन की वजह से भी हो सकता है या और कोई वजह हो सकता है। अगर मैं इसी चीज़ में देखिए, इसको मैं अभी आपको एक ड्राइंग और खोलता हूँ, ये है ओमान का ड्राइंग, इसमें से मैं जाके इस पॉइंट को, जो हमारे पास पॉइंट्स है, इसमें से मैं इस पॉइंट को देखिए आपके सामने सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसमें ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में मैंने पेस्ट कर दिया।
अब इसको मैं फिर से भेजता हूँ, देखिए जाता है कि नहीं जाता है, वो पता चले क्या वजह है। स्टूप करता हूँ, सॉरी, पहले सबसे पहले तो जाके आपको यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइंग सेटिंग में जाके WGS 84 5070 बराबर है, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब हम यहाँ से जाके फिर एक्सट्रूड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए ड्राइंग दिख रहा है लेकिन पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, पॉइंट्स ना दिखने की क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा है, शायद पॉइंट्स बहुत छोटे हैं या कोई भी वजह हो सकती है। तो उसको मैं अभी कैसे बताऊँ, उसका कलर चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाके कलर इसका ग्रीन कर देता हूँ और साइज इसका 5x10 कर देता हूँ। अभी मैं इसको भेजता हूँ। ओफ, अभी समझ में आया इसकी वजह क्या है, टेक्स्ट ना दिखने की वजह क्या है। यहाँ से जब हम जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्स्ट, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा था इसलिए टेक्स्ट नहीं दिख रहा था। ये यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तभी ये चीज़ दिखाई देगा। कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में नहीं आती हैं बताते समय, इसको डोंट माइंड। लेकिन जब अगर आप टेक्स्ट भेज रहे हैं, ये टेक्स्ट है ना, इसलिए वो वहाँ पर हमें नहीं दिख रहा था क्योंकि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमें वहाँ नहीं दिखेगी। अभी इस बार देखिए आपको टेक्स्ट दिखेगा। ये देखिए जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है, जितना भी हमने कोऑर्डिनेट वहाँ से लिया था ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे सब जाके बैठा हुआ है पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अब ये साइज इतना बड़ा है तो आप जब छोटा करते जाएंगे तो अपनी जगह पे लगता जाएगा कि कौन कहाँ पे है। ये देखिए सभी पॉइंट्स इसके अंदर हैं, जितना भी आप देखेंगे। ये देखिए ये येलो कलर जो दिख रहा है, ये देखिए एक एक पॉइंट्स आया हुआ है उसके अंदर से, वो आपको पूरा दिख जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टेक्स्ट आप भेज रहे हैं तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए जो येलो कलर दिख रहा है वो पॉइंट है और इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। तो जब टेक्स्ट आपको भेजना होगा तो उस टेक्स्ट को जाके वहाँ पे सेलेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब आप एक्सपोर्ट एक्सट्रूड करिएगा, नेक्स्ट करिएगा, तो ये जो ये पॉइंट है, अगर मटेरियल कोई है तो उस पर भी चेक कर दीजिएगा, नहीं है तो टेक्स्ट अगर है तो इस पर कर दीजिएगा, अगर टेक्स्ट नहीं सिर्फ ड्राइंग भेजना है तो इस पर। तो इस तरह से आप किसी भी ड्राइंग को भेज सकते हैं। और अगर कोई मॉडल होगा तो उसके लिए आप जो है ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी एलिवेशन पे, तो आपको दिखाई देगा। इसका ड्राइंग मैं पहले लगा चुका हूँ तो उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।